12 साल का लड़का है नीरज, पिछले 10 दिनों से उसे जोरदार कपकपी चढ़ती है, सारा बदन कांपने लगता है। देखिए, मैंने आपके बेटे की पूरी रिपोर्ट्स पढ़ी, सब नॉर्मल है। ऑल यूनिट्स आसपास नजर रखिए, बी केयरफुल। शहर के जाने माने सर्जन और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अनिल अस्थाना अभी भी लापता है। आज उन्हें लापता है। दोस्तों, सुरेश बाबू स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता रिव्यू में, और मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और अनरेटेड फिल्म लेकर आया हूँ। इस फिल्म का नाम है 706। जनवरी 2019 में जो है इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। ये वैसे तो ये फिल्म का जो है कैटेगरी बहुत ही, या फिर जोनर कह लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म में जो है थ्रिल है, मिस्ट्री है और हॉरर कंसेप्ट भी है। तो इन तीनों चीज़ों को जो है मिक्सअप करके ये फिल्म बनाया गया है। ये फिल्म जो है यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, पर इसको जो है ज़्यादा लोगों तक देखा नहीं है, पर जिन्होंने भी देखा है वो सभी लोग जो है इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है। स्टार कास्ट की हम बात कर लेंगे, तो स्टार कास्ट में आपको इधर मेन कैरेक्टर में अतुल कुलकर्णी और दिव्या दत्त ही नज़र आएगा, और साथ ही और भी इसमें एडिशनल कास्ट भी है, पर मेन कैरेक्टर में ये दो जन ही है। और इस फिल्म के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा हॉरर जॉनर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप सभी को पता है कि हॉरर फिल्म बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं लगती है एक हॉरर फिल्म को एक कॉमेडी फिल्म में परिवर्तित होने में। तो हॉरर फिल्म जो है, एक टिपिकल जो हॉरर फिल्म होता है वहाँ पर आपको जो है भूत दिखाया जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट्स और डरावने चेहरे को आपको दिखाया जाता है ताकि आप उसको देखकर डरे। और एक जो है फिल्म कैटेगरी हॉरर फिल्म के एक और जो है मिक्सअप कैटेगरी है, जहाँ पर आपको टिपिकल हॉरर फिल्म की तरह भूत नहीं दिखाया जाएंगे, आपको विजुअल इफेक्ट्स या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक से डरा नहीं जाएगा। ये फिल्म जो है इस तरह के फिल्म में जो पैरानॉर्मल फेज भी रहता है, थ्रिलर भी रहता है, मिस्ट्री भी रहता है। ऐसे फिल्म का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है 13B। ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज़ है बॉलीवुड का, जिसको IMDb में 7.5 या फिर 7.7 का रेटिंग भी मिल चुका है। तो एक हॉरर फिल्म के लिए एक अच्छा रेटिंग मिल पाना इतना जो है आसान काम नहीं है। तो फिलहाल अगर हम इस फिल्म 706 के बात करें, तो इस फिल्म का IMDb रेटिंग है कुछ 5.2 का। और ये फिल्म पर इस फिल्म का जो है स्टोरी लाइन बहुत ही मुझको इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि इस फिल्म में कई सारे जो है एलिमेंट्स को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर फिल्म का शुरुआत में लिखा जाता है कि एक हॉस्पिटल के ओनर एक डॉक्टर का जो है लापता हो जाता है, पुलिस को ढूंढते रहते हैं, और उसी डॉक्टर के जो वाइफ है उसी हॉस्पिटल में जो साइकेट्रिस्ट है, उनके पास एक बच्चा आता है, और बच्चा का जो है थोड़ा अजीब तरह से बिहेवियर रहता है, और वो कुछ अलग वॉइस में जो है बात करते हैं, कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। और फिर वो बच्चा ही बताता है कि उसका हस्बैंड जो लापता था, जिसको पुलिस ढूंढ रहे थे, वो कहाँ पर है। फिर ऐसे ही आगे आगे चलता है ये फिल्म, और आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलता है। उस लड़की के मतलब सॉरी वो जो साइकेटिस्ट वो डॉक्टर का जो है बैकग्राउंड आपको पता चलता है, साथ ही उसका जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो पुलिस अभी से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसका भी जो है आपको बैक स्टोरी आपको पता चलता है। और इन दोनों स्टोरीज़ को एक साथ जो है डायरेक्टर ने जो है कनेक्ट किया है। इस फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट जो है इसका एंडिंग का पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस एंडिंग का पार्ट। इमोशनल टच भी दिया गया है, साथ में इसमें हॉरर थ्रिल मिस्ट्री सब कुछ है, और आपको हर फिल्म जैसे जैसे चलता रहता है ना, आपको लगता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कुछ ज़्यादा गेस नहीं कर पाते आप, पर जो एक के बाद एक जो है मिनिस्ट्री जो है खुलता रहता है, और आपको देखने में बहुत अच्छा एक माहौल आपको अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको अगर आप फिल्म देखते हैं। तो ये फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए। फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है।
और अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा तो मैं इस फिल्म को 6.9 दूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि इसमें जो है कहानी अच्छा है, एक्टिंग है। और एक्टिंग के बारे में एक और तो बताना चाहता हूँ, एक्टिंग नहीं डायलॉग्स के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि डायलॉग्स जो है बहुत ही जो है क्या बताऊँगा, मतलब एकदम रियल टाइप जो है डायलॉग्स इंप्लीमेंट किया गया है। और बात कर लेंगे इसके सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन, एडिटिंग, बाकी जितने भी चीज़ें वो ठीक ठाक ही हुआ है। पर सबसे मुझको इसका जो है स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा है, स्टोरी और डायरेक्शन अच्छा है, स्टोरी भी और बहुत अच्छा स्टोरी है, अनकॉमन स्टोरी है। मुझको तो ये स्टोरी बहुत ही पसंद लगा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये फिल्म जाकर जो है यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों आज के लिए इतना तक ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होगा आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।